दीर्घ दस वर्ष पर काश्मीर घाटी में होता निर्वाचन आउ निर्वाचन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिली बड़ सफलता किंतु भ्याली निर्वाचन को नहीं गोटे चर्चा नवनिर्वाचित विधायिका सगुन परिहार बीजेपी नेत्री सगुन परिहार जम्मू कश्मीर विधानसभा निर्वाचन में किस्तवाड़ आसन से नवनिर्वाचित विधायिका भाव में विजयी होती निकटतम प्रतिद्वंदी नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता तथा दुई थर विधायक सज्जद अहमद किचलू को 521 खंड भोट में परास्त कर तेरे विधायक होवाक निर्वाचन सामना करने को पड़े एवं प्रतिद्वंदी को परास्त करने को पड़े कहीं सगुन परिहार को नहीं चर्चा यह निर्वाचन में सगुन बीजेपी एकमात्र महिला प्रार्थी थे से हीपरि यह निर्वाचन में जम्मू और कश्मीर में मात्र तीन जन महिला विजयी होता बेले से मध्यरे अछंती सगुन 2018 रे सगुन परिहार को बापा और दादा को आतंकवादी माने हत्या करी सगुन परिहार को दादा अनिल परिहार बीजेपी जड़े जिला स्तरीय नेता थे उभय हिंदू और मुसलमान मन कि सगुन परिहार किस्तवार आसन विजयी होगापर आतंकवाद गड़ कहता मुस्लिम बहुल अंचल बीजेपी पाद रखे सफल होमतीक सेप्टेम्बर 14 तारीख में प्रधानमंत्री डोडा जिला गस्त बेले से सगुन उदाहरण देते मोदी कही आम झीं बापा और दादा को आतंकवादी माने मारी किंतु आमे आसन छेड़ा करिछु से केवल आम प्रार्थी नुहंती बीजेपी आतंकवादी समस्या समाधान करितिबार एक जीवंत उदाहरण आज जेतेबेले सगुन को बड़ विजय मिली बापा को मने पकाई लोकों सुरक्षा को काम करिबे बोली कहिछंती। सबसे पहले मैं यही करूंगी कि यहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमने अपने बहुत सारे जवानों को खोया है, मैंने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने भाई को खोया, बहुत से घरों को ये सिक्योरिटी इश्यू की वजह से वीरान कर दिया गया है। मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे रहने वाले हर बच्चे के सिर पे पिता का साया रहे, हर घर में खुशहाली रहे, अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे। मुस्लिम बहुल किस्तवार आसन में बीजेपी नेता सगुन परिहार को 29,053 खंड भोट मिलता बेले सज्जद अहमद किचलू को 28,532 खंड भोट मिली। सूचना अनुजाई जम्मू काश्मीर विधानसभा निर्वाचन में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंट 47 आसन में विजयी होई बीजेपी एठारे द्वितीय बड़ दल हो 29 आसन में जीति से हीपरी मेहबूबा मुफ्ती दल पीडीपी मात्र 3 आसन में जितबारे सक्षम हो जम्मू काश्मीर धारा 370 हटा पर प्रथम थर पर 90 विधानसभा आसन में निर्वाचन होता। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।